वो एक निकम्मा बेटा कहलाता है जो अपने ही देश की संपत्तियों को नीलाम करता है। और इस बात को दोहराना कि भारतीय जनता पार्टी एक निकम्मी सरकार है, एक निठल्ली सरकार है, जो किसान की आवाज़ को, युवा की आवाज़ को, नौजवान की आवाज़ को, हमारे देश के अंदर सरकार में कौन बैठा है, मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए, बताइए। ये ताकत जो है ना, ये इस देश की मिट्टी में है। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना, इस देश की मिट्टी में ये ताकत है। ये मिट्टी भगत सिंह की मिट्टी है, ये मिट्टी जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की मिट्टी है, ये अशफाक उल्ला खां की मिट्टी है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये देश उन तमाम क्रांतिकारियों का देश है जिन्होंने अपने प्राणों की, अपने बलिदान की आहुति देकर इस मिट्टी को अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद कराया था। तो मेरा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम कहीं भी आ और जा सकते हैं। आपका बिहार के डबल इंजन जो हैं वो दोनों इंजन फेल हैं। आपके नीतीश कुमार जी वो भी मोदी जी से कम नहीं है, वो भी एडवर्टाइजमेंट में नंबर वन माहिर हैं। आपका बिहार एक ऐसा प्रदेश है, आपका नहीं मेरा भी बिहार है, हमारे हिंदुस्तान का है बिहार, ठीक है। अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों को मारा गया, पीटा गया, नीतीश कुमार जी के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। आप यूपी चले जाएँ तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधी हैं। आप अगर सेंटर में चले जाएँ तो देश के गृहमंत्री तड़ीपार हैं। सारे नेता तो अपराधी हैं, तो अपराध कहाँ से ख़त्म हुआ? आप कहिए ना, अपराधियों को पार्टी ज्वाइन कराई है आपने। जनता तैयार है, सरकार ढूंढ रही है, नेताओं को ढूंढ रही है सड़कों पर। विधानसभा आपने ऐसी एंटीक विधानसभा बनाई है कि अब तक तो आपने टंकियों से पानी आते हुए देखा होगा, विधानसभा की ज़मीन में से ही पानी आता है। देश का इतिहास मिटाना चाहते हैं, वो देश का इतिहास जिस सदन के अंदर बैठ के कितने बड़े बड़े नेताओं ने इस देश का नेतृत्व किया, आप उस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हो, जिनको जेल भेजने का कार्य किया गया और उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया, उनको कोई दीन ईमान थोड़ी है। अभी सबको पता है नीतीश कुमार जी अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। उम्र बहुत छोटा है, सोच लंबी है, लगातार नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। नाम है मोहित कुमार, बिहार पहुंचे हैं, यूपी घर है, बिहार पहुंचे, कैसे आना हुआ? जी पहली बात तो मेरा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, हम कहीं भी आ और जा सकते हैं। दूसरी बात ये कि तेज प्रताप यादव जी ने छात्र जनशक्ति परिषद की शुरुआत की है, जो एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, जिसमें कोई भी आकर यहाँ पर जुड़ सकता है। ये कोई राजनीतिक दल या पार्टी नहीं, ये एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आके इनसे जुड़े थे, बस नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है बस। बीते दिनों राजधानी पटना के सड़कों पर चले तेज प्रताप यादव के साथ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूँ कि आज देश की स्थिति ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, चाहे फिर वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फिर वो युवा हो, वो परेशान है, त्रस्त है। आपका बिहार के डबल इंजन जो हैं वो दोनों इंजन फेल हैं। आपके नीतीश कुमार जी वो भी मोदी जी से कम नहीं है, वो भी एडवर्टाइजमेंट में नंबर वन माहिर हैं। आपका बिहार एक ऐसा प्रदेश है, आपका नहीं मेरा भी बिहार है, हमारे हिंदुस्तान का है बिहार, ठीक है ना। तो हमारा देश एक ऐसा देश है बिहार, जहाँ पर हर साल जैसे दिवाली और होली आती है ना, आपके यहाँ पर हर 2-3 साल पर बाढ़ आ जाती है, या आपके यहाँ पर बाढ़ वाला ट्रेंड है। अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसानों को मारा गया, पीटा गया, नीतीश कुमार जी के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो बिहारी मजदूर है उन्हें मारा गया, पीटा गया, इनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। क्या इनकी बोलने की, सुनने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो चुकी है, या फिर बोलने की जो इनकी क्षमता है वो सिर्फ इनकी चुनाव के दौरान ही निकलती है? इनके नेता जो फालतू के ऊट पटांग बयानबाजी करने में एक नंबर के माहिर हैं, ये सारे एक से बढ़कर एक नेता हैं। इनसे अगर आप ये पूछ लेंगे ना, इनसे अगर ये पूछ लेंगे कि बिहार ऐतिहासिक भूमि है तो है कैसे, इन्हें ये नहीं पता होगा। और बात करते हैं बिहारियों के हितेशी बनने की, ये ऐसे लोग हैं कि जब जम्मू कश्मीर में बिहारियों को पीटा जाए तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती, जब गुजरात में बिहारियों को मारा गया तब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। जिस गुजरात से बिहारियों को मार के भगाया गया वहीं से प्रधानमंत्री मोदी हैं, और नीतीश कुमार जी की पार्टी का उन्हीं के साथ में अलायंस है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे बताइए? जो बिहारियों पर जुल्म ढाया आप उसको दोस्त बनाते हैं, आप उनको मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और आप कहते हैं गोलियां, वो तो सबको पता है कि इनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं। आपकी पार्टी के अंदर तो ज़्यादा से ज़्यादा नेता अपराधी हैं। आप यूपी चले जाएं तो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधी हैं। आप अगर सेंटर में चले जाएं तो देश के गृहमंत्री तड़ीपार हैं। सारे नेता तो अपराधी हैं, तो अपराध कहाँ से ख़त्म हुआ? आप कहिए ना, अपराधियों को पार्टी ज्वाइन कराइए आपने। मोहित शर्मा एक बेबाक आवाज़ है, लगातार सरकार पर सवाल खड़ा करता है, कुछ असर नहीं होता है, आखिर ऐसा क्यों? क्यों असर नहीं होता बताइए ज़रा, बहुत असर होता है। बंगाल चुनाव में असर हुआ ना, बंगाल में देखने को मिला कि क्या हुआ है इनके साथ में, इनकी बुरी हालत हो गई इनकी बंगाल में। तो आप ये समझ लीजिए जो इनके पास में 80-90 सीटें जो आई हैं वो सीटें बस आ गई किसी तरीके से, वरना ममता बनर्जी के होते हुए इनको एक सीट नहीं मिलनी वहाँ पर। और अब की बार आप देख लीजिएगा, अभी बिहार में अभी 2024 में इलेक्शन है, यहाँ पर MP का भी इलेक्शन है और 25 में फिर दोबारा बिहार विधानसभा का भी चुनाव है, तो आप देख लीजिएगा, जनता तैयार है, सरकार
ढूंढ रही है, नेताओं को ढूंढ रही है सड़कों पर। विधानसभा आपने ऐसी एंटीक विधानसभा बनाई है कि अब तक तो आपने टंकियों से पानी आते हुए देखा होगा, विधानसभा की ज़मीन में से ही पानी आता है। बताइए इतना लाखों करोड़ रुपया काहे बहाया भैया आपने, जब आपको यही नहीं पता चल रहा वहाँ पर बड़े से बड़े रिसर्चर वैज्ञानिक लगा दिए लेकिन फिर भी विधानसभा में से पानी निकल रहा है बीचों बीच में से। गंगा जी है नीचे, बताइए ना, आप एक विधानसभा का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। आप बिना बात सिर्फ पैसा खर्च करना जानते हैं। आपको नई पार्लियामेंट चाहिए जिसमें आप नए सदन में आप बैठें, क्योंकि आप देश का इतिहास मिटाना चाहते हैं, वो देश का इतिहास जिस सदन के अंदर बैठ के कितने बड़े बड़े नेताओं ने इस देश का नेतृत्व किया, आप उस इतिहास को मिटाना चाहते हैं। आप इस देश के अंदर जेलों के जरिए लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, चाहे फिर वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हो जिनको जेल भेजने का कार्य किया गया और उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया। चारा घोटाला मामला का उसके ऊपर आरोप है, चारा घोटाला मामले के ऊपर आरोप है, आप देख लीजिए। चारा घोटाला खुलवाइए ना, अभी सरकार आएगी तो इनके ऊपर कितने घोटाले हैं ना जाने। ये बता रहे हैं ये खुद घोटालेबाज पार्टी के नेता हैं, खुद ये खुद घोटालेबाज हैं, इन्हों को कोई दीन ईमान थोड़ी है। अभी सबको पता है नीतीश कुमार जी अगर भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हैं तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे होंगे और लालू यादव जी ने यही किया। बिहार की जनता को आवाज़ जो उठाना है उसको कम नहीं किया, भले ही जेल चले गए, जेल जाना मंजूर है देश की जनता के लिए, बिहार की जनता के लिए जेल जाना मंजूर है, लेकिन कभी भी गलत का साथ देना मंजूर नहीं है और गलत का साथ नहीं दिया इसलिए जेल गए और आ जाए फिर दोबारा से बिहार की जनता के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और यही काम अब तेज प्रताप यादव जी कर रहे हैं। इसी से घबराते हैं लोग। मोहित शर्मा ना विधायक है, ना एमपी है, ना एमएलए है, लेकिन सरकार को लगातार टारगेट करते हैं, ना को दम बिता देते हैं। आखिर इतनी जोश खरोश, इतनी ताकत ऐसे कहाँ से आता है? ये ताकत जो है ना, ये इस देश की मिट्टी में है। ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं ना, इस देश की मिट्टी में ये ताकत है। ये मिट्टी भगत सिंह की मिट्टी है, ये मिट्टी जो है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की मिट्टी है, ये अशफाक उल्लाह खां की मिट्टी है, ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, ये देश उन तमाम क्रांतिकारियों का देश है जिन्होंने अपने प्राणों की, अपने बलिदान की आहुति देकर इस मिट्टी को अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद कराया था। तो इस देश के अंदर ऐसे नेताओं की ज़रूरत नहीं जो भारत देश की रेलों को नीलाम करते हैं, जो भारत देश की संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं, जो भारत देश की तमाम संपत्तियों का प्राइवेटाइजेशन करने का काम करते हैं। वो एक निकम्मा बेटा कहलाता है जो अपने ही देश की संपत्तियों को नीलाम करता है। और इस बात में, इस बात को दोहराना कि भारतीय जनता पार्टी एक निकम्मी सरकार है, एक निठल्ली सरकार है जो किसान की आवाज़ को, युवा की आवाज़ को, नौजवान की आवाज़ को दबाने का काम करती है, तो ये कोई गलत बात नहीं। आखिर भाजपा को इतना टारगेट क्यों करते हैं? हमेशा उस पर सवाल खड़ा कर देना, लगातार उस पर मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इस देश के अंदर के पत्रकारों ने अपना ज़मीर बेच दिया है या उनके सोचने समझने की और देखने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। हमारे देश के अंदर सरकार में कौन बैठा है मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए, बताइए। बीजेपी की सरकार है। जब बीजेपी की सरकार है तो सवाल किससे पूछे जाएं? बताइए आप मुझे। बीजेपी से। तो फिर हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं? जो सरकार है, जो सत्ता में है, सवाल उसी से तो करेंगे ना जनाब। अब ये तो है नहीं कि हम जाके अमेरिका में पूछें सवाल कि भैया हमारे बिहार में हर तीन साल में कैसे बाढ़ आ जाती है, दो तीन साल में बता, इस बात का जवाब दे तू भाई जो बाइडन। हमें ये जानना है कि बाढ़ क्यों आती है हमारे बिहार में, तो वो थोड़ी देंगे। हमारी विधानसभा में से पानी निकल रहा है, हम जाके किम जोंग उन से थोड़ी पूछेंगे तू बता कि हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है, दोनों इंजन क्यों फेल हैं, बता। तो ये सवाल तो कह रहे हैं हम काम कर, वो तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं बताइए? आपने रोजगार का वादा किया, आपने दिया रोजगार, जबकि देश के युवा जब रोजगार मांगने जाते हैं तो आप उनको मारते हैं। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि विधानसभा के अंदर किसी को मारा गया, बेरहमी से पीटा गया और उसमें विधायक भी शामिल थे। कितनी बुरी तरीके से चोट आई थी, आप देश के इतिहास को कलंकित कर रहे हैं, आप देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, उस पर दाग लगाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में आज़ादी है अभिव्यक्त रखने की, लोकतंत्र में आज़ादी अपने विचारों को व्यक्त रखने की, और उसी लोकतंत्र की आप धज्जियाँ उड़ाते हैं और वो भी विधानसभा के अंदर से। आपको शर्म नहीं आती इस बात के लिए? नीतीश कुमार जी को इसके लिए अपना इस्तीफा देना चाहिए और नीतीश कुमार को देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और जो सुशील मोदी हैं उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। जो तमाम नेता जिन्होंने वादे किए थे वो जनता के बीच आए और जनता उन्हें तभी माफ़ करेगी जब वो जनता से इस बात को कहेंगे आकर कि हमने जनता से वादा किया रोजगार का। रोज डेली की सभा बिठा लेने से वही चीज़ें आप लाइव करते हैं जो आपके पक्ष में होती हैं। दम है तो विपक्ष में लाइव करिए ना, बिठाइए एक दिन विपक्ष के नेताओं को और बैठे नीतीश कुमार, हो जाए एक दिन इसी बात पर चर्चा कि कितना हुआ है बिहार का विकास, कर लीजिए इस बात पर चर्चा। आपके बिहार के अंदर पुल ऐसे ढाए जाते हैं जैसे मिट्टी के पुल बने हुए हों। नीतीश कुमार कहते हैं सड़क बना दिए, बिजली घर घर पहुंच गई, पुल पुलिया का बात कर रहा हूं कि ऐसे इतने निर्माण हुए कि आपके बिहार में पुल ऐसे ही ढह जाते हैं।
जैसे वो एकदम जैसे मिट्टी होती है खेत में इस्तेमाल वाली मिट्टी होती है उसके बने हो, सीमेंट ईंट के ना बन के मिट्टी के बने हो कि जैसे पैर रखा और नीचे ढह जाए, इस तरीके के तो आपके बिहार में पुल बनते हैं। क्या मानते हैं कुछ आपके बिहार में गंगा नदी बहती है, पूरे देश के अंदर गंगा नदी है। आपको पता है गंगा के पास आज तक घाटों पर क्या सुविधा की गई है? हर साल का अगर आप आंकड़ा उठा के देखें तो कितने लोग गंगा जी में डूबने से ही मरते हैं? सरकार के पास है कुछ? है सरकार के पास? सरकार क्या कर रही है बताइए? सरकार ने अगर रोडों पे काम किया है तो उन रोडों पे काम किया है जहाँ से सरकार के नेता और मंत्री निकलते हैं, जहाँ से विधानसभा का रास्ता है। अब विधानसभा के बाहर तो गड्ढे होंगे नहीं, बाकी चले जाइए पूरे बिहार में सड़क तो नज़र ही नहीं आती, गड्ढे ही गड्ढे नज़र आते हैं। अगर नीतीश कुमार जी बिना हेलीकॉप्टर के जाएंगे ना तो पता चला इतने गड्ढे के अंदर ही घुस गए कि मुख्यमंत्री आवास दे रहा और लोग ढूंढ रहे कि मुख्यमंत्री कहाँ गया, ढूंढे से नहीं मिल रहा क्योंकि मुख्यमंत्री तो गड्ढे में गिर गया। और इसी तरीके से बिहार का जो विकास है वो भी आज गड्ढे में गिर चुका है। महंगाई चरम पे है, पेट्रोल डीजल करवा तेल, यहाँ तक कि माचिस का तिल्ली भी अब महंगा हो गया। क्या कहना है मोहित शर्मा, कैसे देखते? अभी तो आप ही कह रहे थे कि भैया आप मोदी जी कितनी बुराई क्यों करते, जब इतनी महंगाई है तो बुराई ना करें। पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है देश के अंदर, आप एक बात मुझे बताइए कि लोग पेट्रोल लेकर ना आज पेट्रोल जो अपनी गाड़ी में नहीं डलवा रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि जिन्होंने इतनी महंगी महंगी गाड़ी खरीद रखी है वो पेट्रोल क्यों नहीं डलवा रहे? भैया आप जो है ना भाजपा के अंधभक्तों के दिमाग को छोड़कर थोड़ा सा जनता के दिमाग से सोचेंगे तो आपको ये फैक्ट भी समझ में आएगा। वो फैक्ट ये है कि हमारे देश के अंदर आज बहुत सारे लोग जोमेटो और स्विगी में वर्क करते हैं। वो जो जोमेटो और स्विगी से वर्क करते हैं, आप ये मुझे बताइए कि अगर वो 100 रुपये लीटर 120 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल डलवाएंगे तो उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? इस बात का जवाब दीजिए ना मुझे। 120 रुपये का तो पेट्रोल ही हो गया, वो अपने घर का खर्चा चलाएंगे गाड़ी में पेट्रोल और डीजल डलवा। जोमेटो और स्विगी वालों की बात कर रहा हूँ मैं, नेता मंत्रियों की नहीं कर रहा जो अपने आप को साधु और महात्मा बताते हैं और रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर में चढ़ते। योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा मैं, आपके नीतीश कुमार सुशील मोदी की बात नहीं कर रहा। सबको पता है कौन सिगरेटें पीता था और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता था, सबको पता है, दुबकाइएगा मत, पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। बोलता नहीं है तो कोई इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बोलना नहीं जानते, सब बोलना जानते हैं, कोई आपसे डरता नहीं है। डरते हैं तो आप डरिए जनता से, ये जनता आपको वोट के माध्यम से चढ़ाना जानती है तो उसकी दुगनी तेजी से नीचे गिराना जानती है, और इतना बुरा गिराएगी ना कि कभी उठेंगे नहीं आप। मुँह की खानी चाहिए दोनों को, मुँह की खानी चाहिए और गंदे तरीके से, और माफ़ी मांगनी चाहिए जनता से हारने के बाद में, माफ़ी मांगनी चाहिए और खुद ही इस्तीफा देना चाहिए और आकर उन पार्टियों को, इन्हों को खुद पार्टियों के साथ में उन पार्टियों को सहयोग करना चाहिए जो पार्टी देश का विकास करना चाहती है। अच्छा ईमानदारी से बताइए, डर नहीं लगता है आपको? क्यों डर लगेगा भाई, ये देश हमारा है, ये भूतप्रेत है कोई, ये क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मारेंगे, जेल के अंदर उम्र बहुत छोटा है। अरे तो उम्र छोटा तो क्या हो गया, इतनी छोटी उम्र में तो लोग फांसी के फंदे पे झूल गए थे, क्रांतिकारियों के बारे में नहीं पढ़ा है? शहीद भगत सिंह, वीर सावरकर में सुनिएगा, शहीद भगत सिंह ठीक है ना, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद ठीक है, इन नामों को दबाने की कोशिश की गई, इन नामों को तो इतिहास के अंदर से मिटाने की भी कोशिश की गई। वो तो शुक्र मानिए कि उस टाइम पे भाजपा आज भी कोशिश कर रही है, आज भगत सिंह की आइडियोलॉजी को, राजगुरु, सुखदेव जिन्होंने आज़ादी दिलाई, वरना किसी नेता के घर में बैठकर ना जूते और चप्पल साफ कर रहे होते, आज पता चल जाता। जो बोल देते हैं ना नीतीश कुमार लगा देते हैं सभा, अंग्रेजों के समय में लगा के दिखाते सभा, पता चल जाती है आपको, जहाँ से आप उठे ना, जिन मूवमेंट से आप उठे हैं वो डेमोक्रेसी के तहत आपको आज़ादी मिलती है, अंग्रेजों के टाइम पर करते तो जेल के अंदर बंद होते। तो इसलिए इस जनता को जो लोकतंत्र में आज़ादी मिली है उस आज़ादी को बरकरार रहने दीजिए, नहीं तो जब जनता अपनी पे आती है ना जनता किसी नेता को नहीं छोड़ती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक अंतिम सवाल, यूपी में चुनाव होने वाला है, कैसे देखते हैं आप भी यूपी से आते हैं? यूपी के मुख्यमंत्री एक नंबर के अपराधी प्रवृत्ति के मुख्यमंत्री हैं, वो अपराधी मुख्यमंत्री जो सिर्फ एक भगुआ गमछा डालकर जनता को पागल बनाने का काम कर रहे हैं। यूपी के अंदर बलात्कार की घटनाएं होती हैं, यूपी के अंदर एक लड़की के साथ में बलात्कार होता है, यूपी के अंदर कितनी माताओं बहनों के साथ बेटियों के साथ बलात्कार होता है, और मुख्यमंत्री चुनावी प्रचार करते हैं, कभी बिहार आ जाते हैं आपके तो कभी बंगाल चले जाते हैं ठीक है ना, तो उनका काम ही यही है जगह जगह घूम कर प्रचार करना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि वो यूपी का विकास ही कब करते हैं। अब की बार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, और एक बात बताइए, दिवाली आ रही है भैया, अंधभक्त कहाँ है भैया, आप चाइना के प्रोडक्ट का विरोध नहीं कर रहे बताइए ना? अभी हर साल देखते हैं चाइना के प्रोडक्ट का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, अब की बार आपको याद नहीं आया क्या? याद नहीं आया, या फिर अब की बार इसलिए याद नहीं आ रहा कि आपके बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जो आपकी पार्टी के पीएम केयर फंड में चंदा देते हैं, वो चाइना से ब्रांड मंगा के यहाँ बेच रहे हैं और जनता को लूट रहे हैं, इसलिए आपको याद नहीं आया? और या फिर आपके आका का भी आदेश नहीं आया, तो ये अपने आका के आदेश अनुसार चलते हैं, जब इनका आका का आदेश आता है ना हाईकमान पे उसको फॉलो करते हैं।
एक और जान आपसे जानना चाहेंगे कि मोहित शर्मा युवा है, चिराग पासवान युवा है, कन्हैया कुमार युवा है, पूनम पंडित भी काफ़ी जो है यंग है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी यंग है, आप जिनके साथ रह रहे हैं जो है मतलब तेज प्रताप यादव भी यंग है जी। यंग का एक बड़ा सा कह सकते हैं कि जमात है जी। अगर सब एक हो जाए तो आपको लगता है कि बिहार यूपी बदल सकता है? निश्चित तौर पर एक होंगे, क्यों नहीं होंगे। हम किसी राजनीतिक संगठन से तो जुड़े नहीं हैं। इन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद बनाया तो वो स्टूडेंट यूनियन के लिए बनाया है भाई, युवाओं के लिए बनाया है और जुड़ना चाहिए। 24 में अगर ऐसी सरकार जो देश की संपत्तियों को नीलाम करती है, देश की धज्जियां उड़ाती है, उस सरकार को हटाना है तो सभी को एक होना चाहिए। जय हिंद। 24 में क्या हो सकता है? 24 में परिवर्तन हो सकता है और होगा। और कुछ अपील? और कोई अपील क्या, अपील यही है जनता से कि 24 में वोट तो देना, एक जूतों की माला तैयार कर लें, अभी यूपी में पहनाइएगा और संभाल के रख लीजिएगा, फिर 24 में पहना दीजिएगा। तो हमारे साथ मोहित शर्मा थे जो बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं, लगातार नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं और जो है बेबाकी से बात करते हैं, तमाम जो ऐसे मुद्दे होते हैं उस पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। खैर, खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।